बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती टाइम देते हो इस देवी गोल फेस्टिवल के लिए। मैं सबसे पहले भोंजा के इलाके के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं, और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि जब फेस्टिवल उधर हुआ था सिंथन टॉप पे जो फेस्टिवल हुआ था, उसी पैटर्न पे फौरन एक हफ्ते के बाद ही हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी, मैं और तारिक साहब गए थे, हमने रिक्वेस्ट की थी कि इस पैटर्न पे हमारे देवी गोल में भी फेस्टिवल होना चाहिए। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी उस बात को जहन में रखा हुआ था। और उसके बाद जब हमारी मुलाकात हुई, उसके फौरन बाद यहाँ देवी गोल में एक यात्रा हुई थी, जिस यात्रा की इंतजामी लाइन देखने के लिए डीसी साहब यहाँ भी आए थे, और यहाँ भी हमने रिक्वेस्ट की थी और यहाँ लोगों ने भी रिक्वेस्ट की थी। तो कुल मिला के डीसी साहब को एक बार भोंजा की तरफ से और खसूसी अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस पे कार्रवाई की और अमली जामा पहनाकर आने वाले 9-10 तारीख को यहाँ देवी गोल फेस्टिवल होने जा रहा है, और ये भोंजा के लिए खुशी की बात है और भोंजा के लोगों के लिए मुबारकबादी की बात है। और अब यहाँ आपके मीडिया के माध्यम से मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये चीज़ें जो है वजूद में लाना, बहुत बड़ी मेहनत के बाद ये चीज़ें वजूद में आती हैं। ये हमको पता है कि इसके पीछे कितनी दौड़ धूप हमको करनी पड़ी और कितने बार डीसी साहब को रिक्वेस्ट करनी पड़ी। अगर डीसी साहब ने इसको यहाँ इम्प्लीमेंट करवाने में वो कामयाब रहे, डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी कर दी गई है 9-10 तारीख के लिए, आप लोगों के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी, इलाके के लोगों से और खसूसी इलाके से बाहर, भलेसा, गुंदो भलेसा, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, भद्रवाह, इन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि ये एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, टूरिज्म स्पॉट है। ये देवी गोल जो है एक बहुत बड़ा मैदान है, चारों तरफ से जंगल से घेरा हुआ है और बीच में एक बहुत बड़ा चश्मा है। कुल मिला के एक टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिज्म जगह है, और बहुत अच्छी हवा है यहाँ की, ठंडी ठंडी हवा, और बिल्कुल बहुत बहुत खूबसूरत इलाका है। तो मेरी गुजारिश रहेगी तमाम अर्थवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा चिनाब वैली से, मेरी गुजारिश रहेगी कि तमाम लोग इसमें शिरकत करें और एक बार यहाँ के लोगों को भी शुक्रिया का मौका देकर खुद भी यहाँ की इस सैर व तफरी से लुत्फानंदोज हो जाएं। मेरी ये गुजारिश रहेगी आपसे भी कि आप भी जो भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, रामबन जो मीडिया जर्नलिस्ट वगैरह जो हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करके उनके जरिए भी इस मेरे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करके पूरे जम्मू कश्मीर में ये शेयर हो, और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से गुजारिश रहेगी कि इस इवेंट पे यहाँ ज़रूर भोंजा में तशरीफ़ लाइए। यहाँ हर तरह की फैसिलिटी आपको मिलेगी, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं रहेगी। यहाँ रोड का बीच में कुछ जिक्र आता था कि रोड की खराबी है, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह रोड भी बिल्कुल ठीक है, अब ब्लैक टॉप अप टू देवी गोल है, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। लिहाजा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं इलाके के लोगों से भी गुजारिश करता हूं, और यहां से आगे मैंने जो गिना, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, छात्रू, भद्रवाह वगैरह, इस सारे लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी और थ्रू मीडिया इस मेरे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि ये हमारा प्रोग्राम जो है एक अच्छा प्रोग्राम हो और सक्सेसफुल ये प्रोग्राम रहे हमारा। मेरा नाम मोहम्मद यूनस कीन है, मैं इलाका भोंजा से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं स्पोर्ट्स कमेटी भोंजा का मेम्बर हूँ। यहाँ जो है आने वाले 9 और 10 तारीख को जो है देवी गोल फेस्टिवल के नाम से एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है, जिसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसमें जो है एक दंगल भी होने जा रहा है, जहां पर जो है 1 लाख का फाइनल होगा। ये तमाम जो एक्टिविटीज़ जो हैं किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडियन आर्मी, फॉरेस्ट वगैरह और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ेर निगरानी में होने जा रहा है। मैं रियासत जम्मू और कश्मीर की तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो जो है इस खूबसूरत मकाम पे आएं और यहाँ पे जो है लुत्फ़ अंदोज़ हों। शुक्रिया।